नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। अमानीगंज ब्लॉक के राय पट्टी ग्राम सभा के नवरा में बिजली विभाग की भारी लापरवाही देखने को मिली है। एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को घर घर में बिजली मुहैया करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गाँव में 4 साल से खंभे और तार लगने के बाद भी अभी तक करंट नहीं दौड़ा है। ऐसे में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे ग्राम सभा रायपट्टी तहसील मिल्कीपुर थाना खंडासा जिला फैजाबाद से हम लोग ग्राम सभा रायपट्टी पूरे नवरा में विद्युतीकरण सन 2016 में हुआ, जो कि खंभे लगे हैं, केबल भी लगाई गई है, लेकिन आज तक ना कोई लाइट आई है और ना आने कोई संभावना दिखाई दे रही है। हम फैजाबाद जिले के ऐसे गांव से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे आप देखकर दंग हो जाएंगे। आज ऐसा ये गाँव है जो प्रधानमंत्री तेजस्वी नरेंद्र मोदी विद्युत के लिए सौभाग्य योजना का संचालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा गांव है जो यहां की ग्रामीण जनता बिजली देखने को ही नहीं पा रही है। इसके पश्चात यहां पर खंभे और तार की भी व्यवस्था है, लेकिन यहां से लाइट अभी तक कनेक्शन नहीं किया गया। यहां तक बिजली विभाग के आला अधिकारियों को भी सूचना दी गई, लेकिन यहाँ पर अभी तक बिजली का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ की ग्रामीण जनता हमारे साथ उपस्थित है। आज हम यहाँ के ग्रामीणों से बिजली के संबंध में जानकारी लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। क्या दादाजी, बिजली आपके गांव में नहीं है, जिस प्रकार से 4 साल हो गए खंभे लगे हैं, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अब साहब क्या बताएं, इसमें जो बिजली है ही नहीं तो आगे क्या बताएं, फिर सुविधा कोई है ही नहीं है। ये बिजली का खंभा जो लगा है ये कितने सालों से लगा होगा? लगभग 2 साल तो हो ही गए हैं। नहीं, 4 साल। 2 साल तो नहीं, 2 साल से कम नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए हैं। 2 साल से खंभे केवल गड़े थे, उसके बाद 2 साल से तार। जैसा कि इनका कहना है कि 2 साल हो गए खंभे गड़े हुए, तार भी लगे हैं, पूरे खंभे जर्जर होकर टूट के गिर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक अभी लाइट नहीं पहुँची है। यहाँ की जो लेडीज हैं उनको भी खाना बनाने में या बच्चों को, छोटे छोटे नौनिहालों को पढ़ने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। यहाँ के बच्चे भी हमारे साथ उपस्थित हैं जो पढ़ाई करते हैं। बेटा किस प्रकार से पढ़ाई करते हो? शाम को जब रात हो जाती है दिया बारते हैं। जैसा कि बता रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, दिया जला करके पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई में इनका अच्छी प्रकार से मन भी नहीं लगता है, जो दिए से ज़्यादा उजाला भी नहीं आता। यहाँ की ग्रामीण महिला भी है हमारे साथ, महिलाओं से हम बात करेंगे कि बताइए आप खाना कैसे बनाते हैं? शाम को हम दिया जला कर खाना पकाते हैं। तो लाइट के बारे में कुछ बताएंगे आप? लाइट के जी बता चुके हैं कि बहुत समस्या है, 4 साल हो गया लाइट के लिए, लोगों को परेशान। जैसा कि पता चल रहा है कि आपके गांव में शौचालय नहीं बना है, शौचालय नहीं है। आप सही है, आज तक नहीं प्रधान हमारे सबके गाँव में कभी शौचालय का कोई सोचना दे दिया, हमारे तक तो बातें नहीं हमसे किया कि हाँ शौचालय चाहिए कि कॉलोनी चाहिए, कि कोई अधिकारी पूछने आया नहीं। सौर ऊर्जा को कुछ भी नहीं हमारे लोग का मिला, सौर ऊर्जा भी मिला हो। जैसा कि तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन की साफ तौर पर इस ग्रामीण में धज्जियां उड़ाई जा रही है। कैमरामैन हरीश चंद मौर्य के साथ गौरव मिश्रा, आईबी इंडिया न्यूज, फैजाबाद।